ये जी हम पहुंच गए हैं मलीर कैंट से, जो हम आगे आते हैं फार्म हाउसेस की तरफ जी। यहाँ पर लाइन से फार्म हाउसेस हैं जो आपको दिखाए भी हमने कुछ, और यहाँ से ना अभी यहाँ से लेके हाईवे के दरमियान का जो इलाका है वो अभी इतना आबाद नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जंगल ही जंगल है ज़्यादातर, आसपास बड़े वक्फे वक्फे से आबादी है। यहाँ है वो जगह जो आपको दिखाई है, और जनाब जिन्होंने वो बनाई जगह और जब उन्होंने वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश की तो उनकी वाइफ बड़ी शदीद बीमार हो गई, ऐसी बीमार कि कोई इलाज ही नहीं हो सका उनका, वो इंतकाल कर गई। उन्होंने क्या कहा कि भाई चलो मेरी फैमिली नहीं रह रही, जगह ऐसी है वीरान है, मैं उसको आबाद करता हूँ। उन्होंने अपने मुलाजमों को, अपने जो काम करने वाले लोगों को है उनको कहा कि अपनी फैमिलियों को ले आओ और तुम लोग यहाँ रहो, जगह को आबाद करो। शोरबे वो वहाँ रहने आए, वो बीमार सारे, और ऐसे बीमार के ठीक ही नहीं हो रहे, वो उनकी बीवी बच्चे जो गांव से लोग आए थे सब के सब शदीद बीमार, यहाँ तक कि एक बच्चा जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये भाई अब हमारे बस से बाहर है, तो उनको ये बात समझ आई कि इस जगह से निकलो, इस जगह को छोड़ो। तो ये कितनी फैमिली हो गई, तीन फैमिलियाँ हो गई, तीन हो गई, कम से कम तीन हो गई, और जैसी उस जगह को छोड़ के वहां से निकले हैं सब ठीक हो गए। और इस दौरान वो बता रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा महसूस भी किया वहां पर जैसे इस जगह जो है ना शदीद भारी है, अच्छा इसको आबाद ही नहीं कर पा रहा कोई, जो आबाद करता है ऐसी अजीब सी बीमारियां हो जाती हैं। तो सर तकरीबन ये तीनों फैमिलियां कितने कितने अरसा रुकी हो? सर वो फैमिली तो रुकी नहीं, पहली वाली जो मालिक थे जो ओनर थे उनकी जो दूसरी फैमिलीज थी दिनों में, मतलब मैं सजद में ही बात कर रहा हूँ, 3 days, 4 days और 7 days, बस 3 दिन 4 दिन 7 दिन, 7 दिन सुन रहे हैं। 3 दिन में मतलब ओनर की वाइफ मर गई जी, 4 दिन में दूसरी, 7 दिन में तीसरी। अच्छा उन दो बाकी जो दो फैमिलीज हैं उनमें किसी की डेथ नहीं? बस डेथ हुई नहीं है लेकिन नौबत आ गई थी उनके एक बच्चे की कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और एंड मौके पर उनको ये ख्याल आया कि भाई इस जगह से निकल जाना चाहिए। उनको अंदाजा हो गया कि ये जगह बेहतर नहीं है? यही बात जब उनसे कि भाई आपको कैसे अंदाजा हुआ, कह रहे हमने चीजें महसूस की यहाँ पर, हमने आवाजें सुनी, हमें कुछ चीजें दिखी भी जिनको बयान करना बड़ा मुश्किल है कि वो थी यार। उसके बाद से तो अब ये बता रहे हैं कि सर ये हो गया है, अब क्योंकि ये जगह जो है चाह रहे किसी तरह आबाद हो, वो मसले हैं क्या यहाँ पर, हुआ क्या है कि बन गई और सामान आ गया, लेकिन जहाँ यहाँ रात गुजारते ना जी, तो जैसे तबीयत भारी और ऐसा आपकी हालत हो जाए कि आप कहें कि बस मैं किसी तरह चला जाऊं यहाँ से। अच्छा आपकी बातों से मुझे ये सारी बात लगी कि अब तक जो अटैक हुआ है वो बच्चों पे और लेडीज पे हुआ है, शायद किसी मर्द पे अभी तक नहीं, उनके बड़े फैमिली वो भी बीमार हुए हैं ना जो घर वाले थे, इतनी शिद्दत से नहीं हुए होंगे ना जितने आप बता, इतनी शिद्दत से नहीं हुए जितनी खातून और बच्चे हुए हैं, ये है बात। मगरब के बाद से जब वहाँ पाँव रखो गेट के अंदर तो उसके बाद ये आपको समझो एक झटका सा लग जाएगा। अच्छा आपका मतलब ये समझो आपकी आंखें लाल होंगी, सर घूम जाएगा। आस पास हमारे फार्म हाउसेज हैं बहुत सारे, बड़े मशहूर फार्म हाउसेज हैं, और ये पूरी समझ लें बेल्ट ही फार्म हाउसेस की है। यहाँ पर बता रहे हैं कि वो इसके अतराफ में जगह है, वो ये मलीर कैंट से निकले हैं ना जी, जी भाई, और पीछे जो आता है फार्म हाउसेस का एरिया वहाँ जा रहे हैं जी, ये हाईवे को रोड जा रहा है सीधा है ना, सुपर हाईवे को, सुपर हाईवे, और ये मजीद अंदर फार्म हाउसेस की तरफ जा रहे हैं, अपना दुम्बा गोट वगैरह, ये अच्छा। सुपर हाईवे को जा रहा है ये वाला, ये भी जी घूम के जाता है जी। अच्छा यार ये तो कुछ ज्यादा ही वीरान इलाका है, चेक करें आप, यहाँ तो सुलभ बिल्कुल ही जंगल, ये तो आबादी नहीं है, कुछ बनाई नहीं है, बाउंड्री उड़ाई हुई है, वो रिहायश है, मालिकान अपने घरों पे है बेचारे जो काम कर रहे हैं, ज्यादातर वर्कर्स हैं, वर्कर है। ये तो हम जा कहाँ से रहे हैं दिखा दे जरा, मुझे लगता है ये वो बात होगी कि जगह को ना आबाद करने की कोशिश शुरू में, ये
इस टाइप के केसेस तो बहुत आए हमारे पास, बिल्कुल बहुत। तो क्या लोग इन चीजों को नहीं समझते कि यार ये हमें यूज किया जा रहा है यहाँ पे? यार कहीं ना वो इन चीजों को इजी लेते हैं कि भाई किसी भी जंगल के साथ हो गया हमारे साथ भी, किसी भी जंगल को, किसी भी नई जगह को, नए इलाके को आबाद करने से पहले कुछ एहतियात होती हैं, वो कर लेनी चाहिए। सब मानेंगे इस बात को कि जी हाँ जिन्नात हैं, सब मानेंगे इस बात को, हाँ जी वीरानों बियाबानों में वो रहते हैं। तो तुम वीरान बियाबान के अंदर जब आबादी करने जा रहे हो तो क्या वहां नहीं हो सकते वो? तो तुम एक चीज जानते बूझते एहतियात कर लो, कुरान खानी करवा लो, साफ सफाई कर लो, बात कर लो, बोल दो। यहाँ दरख्त काटी जा रहे हैं, आबादी किए जा रहे हैं और कोई एहतियात भी नहीं कर रहे, बस जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं। ये नदी है बीच में गमन भाई, ये नदी है क्या है, नाला है क्या? जी जी सजल भाई, ये नाला लग रहा है, नाला अभी बनाया हुआ है, नदी उस साइड में, रोड के उस साथ। नदी का रोड तो हमने छोड़ दिया ना पीछे जी। तो कुछ बता रहे थे वो लोग कि उन्होंने कुछ देखा वहाँ पर, कुछ सुना, मतलब कुछ जाहिर हुआ है उनके सामने जी, कुछ जी, सजल भाई। क्या मतलब कोई काली सी चीज है? अच्छा साया सजल भाई ज्यादा नजर आ रहा है साये जी। अच्छा सिर्फ नजर आने पे शायद भी बीमारी और ये सारी चीजें, देखिए नापाकी और दूसरी चीजें भी इसमें दखल अंदाज है ना यार। मैं पता क्यों कह रहा हूँ, मतलब हमारे आने का जो मकसद है वो ये कि एक साथ फैमिली के साथ तो भाई जाहिर है अब मौसम बदलता है, दूसरे शहर से आते हैं, रहते हैं नई जगह पे, कुछ चीजें सूट नहीं करती, आपको बीमार हो जाते हैं आप। डॉक्टर को समझ नहीं आ रही कि बीमारियां हैं कौन सी। इन मामलों में तो मैंने देखा है ना जी, मेडिकल तो बिल्कुल फेल है उसके अंदर। मैंने बहुत करीबी केस बिल्कुल सर, डॉक्टर्स कह रहे होते हैं, याद नहीं आपको वो कई डॉक्टरों ने कहा किसी आमिल साहब को दिखा दें आप, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा ना, रिपोर्ट में आ ही नहीं रहा, एक्सरे में नहीं आ रहा, और कुछ भी नहीं आ रहा। और फिर वो बता रहे हैं कि जिस साये देखी उन्होंने, काले रंग के, आवाजें सुन रहे हैं, चीजें देख रहे हैं। फिर हमारा जो तजर्बा रहा है, क्योंकि किसी गुंजान आबाद इलाके में नहीं जा रहे हम, एक वीराने में ही जा रहे हैं, शदीद वीराने में जा रहे हैं, साथ जंगल आपके सामने, इधर भी उधर भी, और जगह देखकर ही एक जो कहते हैं ना एक ख्याल आना, वो अच्छा नहीं आ रहा था वैसे। आपने भी देखी है वो जगह सुलभ, वो बड़ी सी जो इमारत है पीले रंग की, लेकिन दूर से देखने के बाद लगता नहीं था कोई ऐसे मामला। 40 से 40 साल पुरानी बिल्डिंग है। चलो शहर में चाहे वीरानों में चाहे कहीं भी, गंदगी का जो आलम है ना इस वक्त नहीं। एक मुझे ख्याल ये भी आता है कि जिस तरह मॉडर्न टाइम आ रहा है ना फैशन के तौर पर, लोग जो है ना कई ऐसी एहतियातों को, चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं उनके लिए पाक साफ नीट एंड क्लीन सफाई या अमल करना, एहतियात करना कोई मायने नहीं रखता, नहीं रखता, कहते हैं ऐसा होता ही नहीं, हम नहीं मानते। फिर बाद में जब भुगतते हैं वो, फिर वो कहते हैं काश काश काश, फिर जब जान पे आ जाती है, जबकि बात जब तक जान पे नहीं आती है, किसी और का केस होता है तो सुनने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी समझ आता है। ठीक है यार, ये पीछे गोबर था, ये चेक करें, ये गोबर है जी। हाँ गोबर ही है, आसपास ये चेक करें, ये देखें, ये देखें गोबर ही गोबर है जी जी भाई। आप ये देखें ना, गोबर तो मेन गिजा है, ये चेक करें सर, ये पीछे गई है वो चेक करें, पहाड़ी शाम, ओ हो हो हो, कह तो रहा हूँ पहाड़ियाँ बनी हुई हैं गोबर की सर, पूरी वो देखें तो क्या ये पूरे आसपास के सब जगह के यहाँ लाके डाल, मुझे कहते जितने बाड़े वाले, ये चेक करें आप जितने बाड़े वाले हैं शायद आस पास है क्या पूरे इलाके के ही, यहाँ लाके डालते हैं मेरे ख्याल से। इधर इतने देखे हमने, ये तो हमने चलते हुए देखे हैं जी, गाड़ी में कई उतर के देखते तो पता नहीं कितने होते हैं, मतलब यहाँ से गोबर देख रहे हैं सारा आप, नजर आ रहा है, ये गोबर ही गोबर है यार।
वो नजर आ रहा है आपको हद्दे निगाह? जी जी बिल्कुल कोने तक है। ये तो बड़े पुराने दौर में लगते थे ना ये। ये चेक करना इसको, नजर आ रही है काली बिल्ली? अभी तोड़ आ गया। करे कर क्या रही है, है ना? जी सर, एक सेकंड सर, अभी कोई चीज भी मरी हुई है ये ना, एक सेकंड में देख के आओ यार। एक दिन दो तीन दूर से कितने लाहौल वाला कोट अल्लाह ये दो, ये एक दो तीन, वो आगे सामने चार, और भी बहुत होंगे और भी बहुत होंगे। कहां फिर पे वो देखे फिर पे आगे भी हैं पास में आ। मैंने कहा, मैंने देखा है यहाँ पर जीप से, तो काली बिल्ली भी इधर ही। हाँ जी, ये गलत करते हो यार, ये सही नहीं करते यार, ये लोग गलत करते हैं ना ये लोग। घूम गया यार, ये तो अचानक नजर पड़ी है चलते हुए यार। बिल्ली को देख के रुकाऊं मैं? आगे भी होंगे, बहुत होंगे, जिस तरह की स्मेल है ये तो। जिस तरह जगह के पास हम आ रहे हैं जी, निशानियां बड़ी अजीब सी हो रही हैं। ये चेक करें, मतलब ये डाल के खुद ही इन्होंने दावत दे दी है, चाहे अनजाने में चाहे जानबूझ के। मतलब यार आप यकीन जाने, खड़ा होना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, लेकिन नेगेटिविटी को यही चीज अट्रैक्ट करती है। और आप दावत दे दें यार, क्या मतलब, थोड़ा सा खड्डा खोद के दफना तो जमीन में। सुहेल भाई, अल्लाह की शान है, मट्टी हर चीज जो है ना, जब ना बीमारियां फैलेंगी ना आप किसी शयातीन मखलूकात को दावत देंगे, ना बदबू होगी। आप यार दो चार बेलचे लगते हैं खुदाई के अंदर। आपसे तो बोला ही नहीं जा रहा सुहेल भाई, अब खैर है? खैर ही है, वो सी स्मेल चली गई यार। नहीं जी, आप अंदाजा लगा लें, ये रास्ता देख रहे हैं, ये जो रास्ता है जी, अब इसमें से गाड़ी गुजरना आसान तो नहीं है? नहीं सर भाई। सर ये मुझे बताया ना, कितने अरसे से कोई गाड़ी नहीं गुजरी यहाँ से? देख रहे हैं ना सुहेल भाई, अगर गाड़ी गुजरनी होती तो ये जगह ऐसी ना होती। सही कह रहे, ये दूसरी तीसरी निशानी मिल गई आपको, और ये सामने देख लें आप, पुरानी इमारत बनी हुई है बहुत। और सर ये हम गुजर कहाँ से रहे हैं ये देखें, कांटे जी दोनों साइडों पर लग रहे हैं, और हम जो है हमें इधर जाना है सीधे हाथ पे। ये देखें जी सर, सर जंगल चेक कर रहे हैं आप? जदीद वाला उस जगह का रास्ता कहाँ है? लेफ्ट पे रास्ता है लेफ्ट, गाड़ी तो नहीं जा सकती कमान भाई यहाँ से? नहीं गाड़ी तो नहीं जाएगी, गाड़ी यहीं लगा दें। वो देखें सुर पे इमारत नजर आ रही है मुझे पीले रंग की। जी हाँ, ये आ गई, आ गई, आ गई, आ गई जंगलों के बीच में, आ गई है ना। फिर पीछे करके दिखाऊं आपको, वो देखें आई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई।
होता शायद तक उसके। ये देखें जी, अल्लाह खैर, एक इन टायरों को तो ये कांटे कुछ नहीं देते। अल्लाह भाई, तो चारों तरफ से रास्ता ही खत्म हो गया सुहेल भाई, देख रहे हैं? हाँ, कहीं नहीं है ना। ये देखे ना, यहाँ से भी अगर मैं सोचूं कि यहाँ से जाऊँ तो कैसे जाऊँ मैं, ये स्विमिंग पूल है, खत्म हुआ हुआ तो तबाह हो चुका है। ये रिकॉर्ड हो रहा है जी जी। ये देखें, ये स्विमिंग पूल चारों तरफ से कांटों से घिर गया, वो आगे झूले घिर गए, ये रस्ते सारे ख़त्म हो गए। गाड़ी बस हमने अंदर लगाई, उसके बाद पैदल कुछ झाड़ियों में से निकलना पड़ेगा। जगह दिखा दी आपने जी जी भाई, कोई हवेली महल नुमा जगह है जी। ये हम कांटों में से कैसे जाएंगे यार? वो जहाँ गाड़ी पार्क की है ना जी, वहाँ से देखते हैं कोई रास्ता शायद मिल जाए, यहाँ वहाँ से जैसे नीचे जा रही है। देखें मगरिब हो चुकी है सर, हो गई मगरिब, हो गई खैरियत है? क्या आज लाशें मिलेंगी हमें? सही लग रहा है आज, मुर्गी है कबूतर है मुर्गी। अभी कोई अच्छी फील आ नहीं रही यहाँ से, तबाह बर्बाद है शदीद। कैसी आवाज़ें आ रही हैं आसपास? आप लोगों को आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत तेज़ है आवाज़ें आ रही है, बच्चों की, औरतों की, बच्चों की और औरतों की आवाज़ के साथ जो ये बहुत तेज़, कोई लोहा घसीटने की या कोई चीज़ घसीटने की जो आवाज़ है, ये समझ नहीं आ रही इस वीराने में। तो बस भाई, ये हाल देखें इसका। यार पता नहीं आज बैड लक है हमारी, बाहर से ही हमें बदबू ही बदबू मिली है। ये पानी भी देखे ना यार, अभी मेरे को ये बारिश का ही है पानी जी। ये आपने दिखाया दूर तक सोल में कोई आबादी कहीं हम हैं कहां पे? वहां से वहां सब वो देखे सारा सब मैदान है सिर्फ। सही कह रहा है, 40-45 साल कामरान जो है ना। हाँ इतने तो हो गए होंगे। अतराफ की जो जगह है उनका ये हाल है, तो मेन जगह का क्या होगा यार? इस कदर झाड़ियां बढ़ चुकी हैं कि दीवारें नजर नहीं आ रही ऊपर बाउंड्री। क्या है जी, इससे ऊपर जाने और ये कपड़े अंदर जाने ही जाने अंदर वही है ना। बोल बोल भाई, तो जीते हैं सजा भाई। हम्म, ये
चमगादड़ की सुन चमगादड़ की बीठे यार एक अजीब चीज दिखाऊं इधर सुन भाई चमगादड़े बहुत हैं इधर ये भरी हुई है बीठों से फिर ये चारपाई ये वही वही जो लोग बताए थे ना आपको जिन्होंने रहने की कोशिश की यहाँ पर सारे भागे कनेक्शन ही नहीं है तारों के तारे निकली हुई है पंखे निकले क्या मामला है बड़े पुराने दौर का ऊंचे ऊंचे दरवाजे ऊंची ऊंची खिड़कियां आ गई टटेरी अब तो हम अंदर है ना जगह के अब क्यों आइए ये आइएगा सुन में यार तो समझ नहीं आ रही तो सुन में जंगलों के अंदर एक भूत बंगला नहीं होता जैसे वही बना रहे पछता रहे होंगे चमगादड़े घूम रही है ये रही चमगादड़े ये वो देखें कितनी सारी हैं सुल भाई मुल्का से भर जाएंगी रात को अंदर आ जाएंगी सारी अंदर आ जाएंगी अंदर आ जाएंगी ये क्या है तो उनका सामान रखा है सुल भाई नोट करें सिर्फ चारपाइयां नो पंखा अपने स्टाफ को जो लेबर थी उनकी जो मुलाजिम थे उनको रहने के लिए कहा कि तुम लोग जाओ आप बात करो जगह को सारे शदीद भागे मैं आपको उस वक्त से कह रहा हूँ फील अच्छी नहीं आ रही वाकई दिखा रहे हैं आप इसकी हाइट और इसकी खिड़कियां मतलब एक कमरे में चार खिड़कियां खिड़कियों में साइज तो देखें एक कमरे में चार पांचवा दरवाजा होटल क्यों जी यूनी का सामान है सोच खिड़कियां यहाँ कितने दरवाजे खिड़कियां दो चार चार खिड़कियां दो दरवाजे बड़े बड़े तीसरा दरवाजा खिड़कियां दो खिड़कियां ये देखें ये भी आ गया ये रूम खिड़कियां तीन यार ये मैं आपको दिखाऊं ये कोई तार नहीं है ये जाले हैं वो ऊपर आप चारों तरफ देख लें अपने जाले चलो पंखा देख रहा हूँ तीसरा दरवाजा खिड़कियां दो खिड़कियां ये देखें ये भी आ गया ये रूम खिड़कियां तीन यार ये मैं आपको दिखाऊं ये कोई तार नहीं है ये जाले हैं वो ऊपर आप चारों तरफ देख लें अपने जाले चलो पंखा देख रहा हूँ ऊपर अच्छा खासतौर पर मेरे को इस कमरे में ऐसा लगा कि ये उनकी रहने की तैयारी थी तैयारी पे थे कि यहाँ पर आके रहना शुरू करते हैं वहाँ पीछे उनकी वाइफ इंतकाल हो कभी आ गए चक्कर लगा के चले गए रहे नहीं कभी तो उन्होंने कहा हादसा हो गया होगा फिर जब अपने अपने काम करने वाले लोगों को यहाँ भेजा ना रहने के लिए सब के सब जो है ना एक फैमिली दो तीन चार मतलब कोई भी जो है ना यहाँ जब तक तीन दिन उनकी वाइफ की डेथ हो गई जी आप उधर ही होगी ये मतलब इन्होंने सुन ये
बताना चाह रहे हो कि हम हैं यहाँ पर, अब हम आ गए, ये वाज़े निशानी होती है। आपको पुरसरार जगह पे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो नॉर्मल नहीं होगा। अब मुझे बताएं कैसे कोई कैसे हो सकता है, तो बाकायदा किया गया है और इतनी हाइट पे है कि कोई खुद भी नहीं कर सकता। ये निशानी है बड़ी पटारी मुस्तकिल चीख रही है यार, चप्पा चप्पा। तो यहाँ पर मगरब के बाद से सारे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं, मामला शुरू हो जाता है। रात का तो पता है सुबह मगरब पे लगा कर अभी हो कुछ क्या वक्त वक्त से स्मेल क्यों आती है? एक तो इस जगह की शुरुआत से ही स्मेल ने साथ नहीं छोड़ा। इसी के अतराफ में आपने देखा गोबर ही गोबर, इसी के अतराफ में आपने देखा जानवर मरे हुए, इसके आपने झूले देखे, स्विमिंग पूल देखा, ये पंखा देखा, ये बीचे देख रहे हैं चुंगादों की, आप अंदाज़ा लगा लें हम कहाँ खड़े हुए होंगे इस टाइम पर और हम पर क्या गुजर रही होगी। इसको ना करिए हैं वाले कमरे में जहाँ से निकले। क्या कह रहे हैं ये भी किधर ये दरवाजे की नीचे हम इसके नीचे दीदी यहाँ खड़े हुए थे यहाँ से अंदर गए। यकीन करें सज्जद भाई शायद रिकॉर्ड हुआ होगा मेरे पास या नहीं। ना कर जी सज्जद भाई हम लोग जैसे निकले वहाँ पर मैंने जैसे कैमरा घुमाया तो यहाँ पे कोई खड़ा हुआ था, दरवाजा यूं था सही और यहाँ पे कोई खड़ा हुआ था यूं। ऐसे एक अच्छी बात करता नहीं है सोल में, हम तो यहीं से निकले और हम यहीं आए हैं, कोई जगह है नहीं और जाने के लिए, दरवाज़ा लेकिन इतनी देर में कोई जा नहीं सकता वहाँ, चमकादड़ों का शोर था। ये कौन है ये समझ नहीं आ रहा, ये कौन घसीटता है ये जैसे सोहेल भाई बोल रहे ना कोई चीज घसीट रहा है जी सज्जद भाई, मुझे नहीं लग रहा है कोई चीज घसीट रहा है। गला हो गई दबा रहे सोहेल भाई आप नोट करें सही ये गला थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी क्या यही है जब से हम लोग हैं वैसे ही वैसे ही हो रहा है जाले थे सुर में जाले थे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम तेज हो रही है अब ज्यादा हो रही है। कौन है सुना ठहरियाँ कितना चीख रही हैं कितना शोर कर रही हैं यार। ओए सुहेल भाई सुहेल भाई चलो मैंने कहा ना कामरान को यहाँ से आ रही है मुझे इस तरफ से आ रही है आपको इस तरफ से आप इधर देख रहे हैं और आप यकीन नहीं करेंगे हमारे चारों तरफ ठहरियाँ शोर कर रही हैं। सुन ले जी भाइयों रब लोगों को चांद मुबारक हो वो देखे ऊपर माशाल्लाह सबके लिए मुबारक हो जी मुबारक महीना इंशाल्लाह रहे भी रहे मैं करम जिंदाबाद। हमारी तो सालगिरह गुजरी हैं ऐसी जगहों पर ही। चलो ज़्यादा हो गई भाई जान अभी अंधेरा नहीं हुआ है चलो ज़्यादा हो गई
ज़्यादा हो गई। भाई जान अभी अंधेरा नहीं हुआ है, आइए। हुई हुई हर कदम पे आवाज़ है, हर कदम पे आवाज़ है दादा। क्या हम तीनों के अलावा यहाँ कोई मौजूद है? क्या हम तीनों के अलावा यहाँ कोई मौजूद है? यार आप लोगों को शायद आ नहीं रही, मुझे कई आवाजें आई हैं। आ रही हैं, आए जरा इधर। बिस्मिल्लाह, देख के आना भाई। मेंढक बहुत है। चल भाई, टटहरी को कुछ हो गया है। वो सीढ़ियाँ हैं क्या? वो चल भाई, वो सीढ़ियाँ हैं क्या? ऊपर जाने हैं? हाँ बिल्कुल। तो हम वहाँ से जा सकते हैं ऊपर? हाँ हाँ जा सकते हैं। आए जरा उसको आसपास से लाइट दें। चल भाई यहाँ लाइट दें। यहाँ से तो नहीं है ना रास्ता? नहीं यहाँ से नहीं। आए इसको जरा ऊपर से देखें। यार स्मेल एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तो स्टार्ट से सुनते घूमते आ रहे हैं वहाँ से। मैंने दो चीज़ें कभी नहीं देखी ऐसी आज से पहले। एक है पर के ऊपर पंखे के जी भूंड का या डेमू का छत्ता, दूसरा किसी पंखे का पर ऐसा हो जाना खुद ही। ये तो को नोट रखिएगा इस बात का। चल भाई, हम तीनों के अलावा भी कोई है इधर? है, मैंने भी चलते हुए सुना है किसी को। हाँ काफी देर से महसूस हो रहा है कि वो साथ साथ चल रही है। यार जिसको हम घसीटना समझ रहे हैं ये कोई घुराना तो नहीं है? फुनकार या घुराना? लेकिन इस तरह मुसलसल? हाँ मुस्तकिल। सुना नहीं, कहाँ से? कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है। हाँ मुस्तकिल। सुना नहीं, कहाँ से? कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है। दरवाज़ा बंद है, इस तरफ से आई है आवाज़। इस तरफ से आई है। किधर से? दरवाज़ा बंद नहीं है आवाज़। ये अब से पहले नहीं आई थी? चल भाई चीज़ें बढ़ रही हैं अंधेरा से। पहले ऊपर देख लें पहले, फिर पता नहीं अल्लाह खैर ही करे। है क्या कोई? मुझे ऐसा लगा ना ये चेक किया। है क्या कोई? मुझे ऐसा लगा ना ये चेक किया। है क्या कोई? मुझे ऐसा लगा ना ये चेक किया। ये कौन था? कहाँ से आई? कौन? बड़े डर से बात टटहरी इतना शोर कर रही है। बस यहीं से आ रही है। जैसे मैंने पाँव यहाँ रखा ना उस टाइम में, कौन है यहाँ पे? कोई चीज़ बंद हुई है। बच्चे रो रहे हैं। सुबह बिल्कुल आए कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। रसूल सुल भाई जवाब आया आपको। हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। रसूल सुल भाई जवाब आया आपको। अब से पहले कहाँ थी ये जवाब? मैंने क्या कहा? उसी वक्त दादा दादा यार ये
शदीद। ये एक आध दो नहीं, ये फैमिली एक नहीं है, सिर्फ जानवर भी साथ। ये बिल्ली की आवाज़ इतनी भारी तो मैंने फर्स्ट टाइम कभी नहीं सुनी, ऐसी बिल्ली की आवाज़। चलो शीशा का है, तो पता नहीं है, नहीं सही बिल्कुल। ये साइन अच्छा नहीं है, ये रही, ये इधर चल रहा है, ये 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 टॉर्च का है मेरी यार। सुना सुना ये सुना, जैसे कोई घुर्राता डांटता गुस्से में, जैसे यार अभी तो रात नहीं हुई। ये बॉल, हाँ ये बॉल शुरू में भी देखा मैंने। ये सवाल दिमाग, ये वही वाला कमरा इधर से ही है, इधर से ही उधर से उसी वाले कमरे से आई है, काले काले पंखे वाले से। मैं छत पर क्यों नहीं जा पा रहे हैं इस जगह की है। एक काम हो सकता है, मैं यहाँ से जाता हूँ, आप वहाँ से आए, अगर किसी की शरारत को सामने आ जाएगा करके देख लें कोशिश। सुहेल भाई कोई है, छत पे जाके देखना चाह रहा हूँ, तो पता नहीं अजीब सी आवाजें आने लगी। जब से हमने ये सोचा ऊपर जाते हैं, तब से और जब से मैंने इनसे बात करने की कोशिश की है, ऐसे जवाब इतनी वाजे आवाजों में और अजीब सी आवाजों में। आपको बिल्ली लग रही है, मुझे बच्चा लग रहा है। बिल्ली की भी कोई भारी आवाज नहीं होती है यार, यार ये आवाज अंदर से आ रही है यार भाई। ये देखें, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इसको, छोड़ दें फिर, ये मालकान ने बंद किया होगा रास्ता। क्या वजह है, वो शायद कोई आए ना कोई जाए, क्या वजह है सर। लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह बिल, तो यार यहाँ बड़ी एहतियात करना कामरान जी। इस तरफ कुत्ते हैं, एक तरफ भेड़िए, और भेड़ियों के पास से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं। ये औरतों की आवाजें सुन लें, आपने दिखा दें कोई आबादी नजर आ रही है आपको दूर से। शाम में दिखा है मैंने, ये शाम में ये स्विमिंग पूल के बैक साइड की जगह है। शाम को मैंने सारी चीज दिखाई, ये बहुत बड़ा मैदान है यार, ये इस स्विमिंग पूल की बैक साइड की जगह है, जो खुला मैदान है, खुला घास तक नहीं है। अकेले तो आते ही नहीं ना, छत पे देख के हमें घेर तो नहीं रहे चारों तरफ से। देखें यार भाई गाड़ी भी दूर है, गाड़ी भी दूर है, आप नोट करें। मैं छत पे आने की कोशिश कर रहा था जब से चीजें बढ़ गई, ठीक छत के पास है, सिर्फ वहीं कांटे हैं और कहीं कांटे नहीं है, ठीक। फिर उधर ये इतनी से गोबर की वो थापियां बना के रखाई हुई है, तीन तीन उंगलियों के साथ, तीन तीन उंगलियों के साथ, बच्चों की। और इस हाइट पे जहाँ बच्चे का हाथ आ नहीं सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और वो जाला भी देखे ना आप, इस हाइट पे ही बना हुआ है, उससे उससे पहले गिदड़ की आवाज़ें नहीं आ रही थी। नहीं अब इस तरफ से आ रही है, कामरान की बैक साइड से ना जाए साहब भाई। और भी निशानी शायद कुछ ऊपर मिल जाए ना, बहुत ही अजीब माहौल है यहाँ का, शदीद अलग जगह आ गए दोस्त। अल्लाह खैर, चिप के लिए चल। बड़े अरसे बाद हम लोग हैं जो यहाँ आए हैं और छत पे जा रहे हैं।
निकाल लें। बात बंद, अभी वो अंदर चला गया है, वो बिल्कुल पीछे आ गया है। यार कोई नहीं है यार, ये बेवकूफों में बना रहे हैं यहाँ पूरा। सुन भाई, आप लाइट ना दे, आप लाइट ना दे। जहाँ रिकॉर्ड किया था कोने में, वो लाइट की वजह से ना बाहर जाते हैं, और स्विमिंग पूल जहाँ था ना उससे आगे। गाड़ी भी दूर है ना हमारी जी, गाड़ी वो गेट पे है ख्याल से। यार कितनी आवाज़ें शायद हम सुन नहीं पा रहे होंगे जो उसमें रिकॉर्ड हो रही होंगी सुहेल भाई, कई आवाज़ें। चलो क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है लेकिन आवाज़ साफ आ रही होगी। सुना, यही कमरा है, हम वैसे ही चले जाएंगे जी। किस चीज़ की क्या कहा जा मस्ती, क्या कहा जा या आ? तो भाई समझ लो मेरे बारीक से बस उठ गया है। यार मुझे पता क्या लग रहा है, यहाँ कोई है। सुन भाई कह रहा हूँ, ये चाह रहे हैं कि हम तीनों अलग अलग हो जाएं किसी तरीके। बिल्कुल गलती सोचना भी नहीं ऐसा। मैं सही बता दूं, जिन्नात तो जिन्नात, भेड़िए भी आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत करीब है हमारे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है गीदड़ या भेड़िए, ये इन अंधेरों में कुछ चीज़ें हैं जो देख रही हैं हमें। यार बिल्कुल यार, मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई हमें ऐसी देख रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से। सुना हाँ, इसके अंदर से क्या। चलिए देख यार, कोई सामान नहीं है साथ भाई। हाँ कोई सामान नहीं है। कैसे कोई बहुत तेज हवा का झोंका नहीं होता, आंधी जैसी हवा, जब तेज हवा में आंधी की हवा कैसी होती है। बिल्कुल, तो बात ही नहीं करने दे रहे, ये देंगे भी नहीं बात करना। तो बड़ी बेतरतीबी है, लोटा देख रहे हैं कहाँ फेंका हुआ है। हाँ। तो कोई है नहीं ना साथ भाई, किसी की राइश ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है यार। ये लो, इनकी कमी रह गई थी। जानवरों से भी मिलती जुलती आवाजें हैं, जानवरों की भी नहीं है। बाहर कितनी हवा चल रही है, अंदर कुछ भी नहीं। एक सेकंड भाई, अभी आवाज में जल्दी है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ सर, क्या हुआ, क्या हुआ है? मुझे उस वक्त हंसी की आवाज भी आई है, इस तरफ भगता हुआ है। मुझे उसी वक्त हंसी की आवाज भी आई है, इस तरफ आया है। उसी वक्त तेजी से कोई हंसा भी है। चल भाई रोंगटे खड़े करवा दिए यार, ये देखो यार काला साशा, ये है जो मुझे हंसी की आवाज तो उसी वक्त आई हुई थी और बड़ी अजीब आवाज आई थी। मैं समझा शायद कोई इंसान है। नहीं है यार, इंसान नहीं। बाहर कितनी हवा चल रही है, अंदर कुछ भी नहीं। अब ऐसा कह रहे नहीं, भागना प्लीज यार, प्लीज दादा नहीं टिकने दे रहे। ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर जो आप इतने गुस्से में हैं? इस तरफ जाओ भाई, हम गुस्सा ही गुस्सा करेंगे। अभी दिखाएं, हाँ अभी वजूद दिखा देंगे। किस तरफ जाऊं दादा, एक साथ चार जगहों से आवाज आती है। यार अल्लाह करे आपके पीछे से ये रिपोर्ट हुआ हो गया, ये ब्लैक शेड जो भागा है ना भाई। यार लेकिन मुझे समझ नहीं आया भाग गई, इस तरफ आया इतनी स्पीड में, मैं भी आया हूँ आपको लेने, लेकिन वो नहीं भाग सकता, इंसान नहीं भाग सकता। ये नीचे भी तो चेक करें, ये देखें कितने बढ़ रहे हैं, चूटे बढ़ते जा रहे हैं। पहले नहीं थे, पहले नहीं थे ना। नहीं नहीं, किसी से क्या गलती हो गई है यहाँ पर? बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हैं तो आइएगा, वरना मत आइएगा। मैं यहाँ रहने नहीं आया, निकालने नहीं आया।
मिलने आया हूँ आपसे। बस एक बात ध्यान में रखना सर भाई, कामराम तुम भी दिमाग बिल्कुल हाजिर रखना, हाजिर रखना, कभी भागना नहीं। अब कहाँ है? अच्छा, हम छत पे थे, कुत्ते और भेड़िए, अब कहाँ है ये? अब से पहले कहाँ थे सारे जानवर? हाँ, अब से पहले कहाँ थे यार, और जब से आपने सीढ़ी के जो कांटे हटाए ना, उसके बाद ही मुसलसल ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं। कहीं और कोई थापी नजर आई आपको? नहीं, नहीं, नहीं। क्या इतनी सी उंगलियों वाले बच्चे या बच्चियां इतनी ऊपर थापी लगा सकते हैं? क्यों और सीढ़ी के पास? अगर फैमिली होती तो सब जगह लगाए ना यार। और बड़ी थापियां लगती हैं, उसको जलाने के लिए काम आता है वो। हाँ। ये पढ़ते यार, ये देखो यार, ये पागल कर देंगे यार, एक उधर से बुला रहा है, उधर ध्यान जाता है, यहाँ से आवाज आती है। अगर यहाँ कोई रहेगा नहीं तो एक दिन इस जगह को तोड़ दिया जाएगा। औरों की तरह आप भी इंसानों के साथ मिलके रह लें। इतनी बड़ी जगह है, कहीं भी रह सकते हैं आप। तो औरों की तरह आप भी इंसानों के साथ मिलके रह लें। इतनी बड़ी जगह है, कहीं भी रह सकते हैं आप। तो क्या दर्द से करा रहा है कोई? हाँ हाँ, साफ है ना? अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो उसका गुस्सा हम पे ना उतारे, उसका बदला हमसे ना लें। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। चल रहे तो रो रहे थे, करा रहे थे यार, तो ऐसा लगा कि उससे बहुत भेजा गया है। यार ये बहलाने का तरीका भी तो होता है ना, बुलाने का अपनी तरफ। क्या मदद के लिए जाएं और फिर जाए बस, आपको इसी बहलावे में नहीं आना, जाना नहीं है इनकी तरफ। अब जाएंगे तो यकीनन टेका लगा देंगे अपनी जीत का, तो मैंने बुला लिया। ये कैसे हुआ? कौन? लाहौल वाला कुमत बिल्लाह अल-अज़ीम, इसके अंदर से आ रही आवाज। कौन? लाहौल वाला कुमत बिल्लाह अल-अज़ीम, इसके अंदर से आ रही आवाज। लाहौल वाला कुव्वत बिल्लाह अल-अज़ीम, इसके अंदर से आ रही आवाज। ना कह सुन भाई, क्या हुआ? एक सेकंड, क्या हुआ? ठीक है, क्या था ये? ये आपके सामने था, जो था खुद ही बंद हो गई। इसी तरीके से लाइट बंद हो जाए और किसी एक पैकेट कटे हो जाएगा, तो बड़ा मेहरबान है ना, अपनी लाइट बंद मत कीजिएगा। मैं आपको दोबारा कह देता हूँ, मैं यहाँ रहने नहीं आया,
किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, आपको निकालने नहीं आया, भगाने नहीं आया, मिलने आया हूं आपसे। पहले जुमला जिसका कोई जवाब नहीं आया, मतलब आप खुद नहीं आए। क्या मतलब सुबह को भेजा क्या है? जगह बन रही होगी, किसी साहब ने अपना काम दिला दिया और भेज दिया। अब उनकी आवाज का है, उनकी फैमिली, पूरा खानदान, पूरा कबीला। लेकिन अगर अपना सामान छोड़ के गए हैं यार, कौन छोड़ दिया? ठीक है, कुछ नहीं है यार, जगह पर आइए, सामान तो अपना ना खैर था ना। तो वही कमरे पे लगा उसे देख लिया है। ये कभी दूर, बहुत दूर से आवाज आती है, थोड़ी देर के बाद तरीको जा रही होती आवाज, वो भारीपन यार नहीं समझ आ रहा है, ये आवाज नहीं समझ आ रही। हाँ, एक बात आपकी मुझे समझ आ रही है कि उनके अपने भी जानवर होते हैं ना, शायद इनकी आवाज है। अभी पता नहीं मेरा डाउट इस रूम से लेके इस रूम पे ही आता है सर। हम पर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं, हमें क्यों नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? बार बार की जवाब नहीं आ रहा। लेकिन सर जी, अपनी लैंग्वेज में जो आप तो बोल रहे थे, क्या मुझे तो समझ नहीं आया, क्या समझ आया? मुझे तो पहले तो इनका रोना सुना मैंने, जैसे कोई कराता है ना दर्द में। हाँ, हम अंदर आए और दूसरी आवाज़ें शुरू हो गई जानवरों की। एक ख्याल ये आया कि जैसे कोई इन पर जुल्म हुआ रहा हो या कोई तकलीफ पहुंचा रहा हो इनको। फिर ख्याल ये आया कि जैसे ये खुद नहीं आए, भेजे गए हैं अमल के जरिए, जादू के जरिए, चिल्ले के जरिए। तो गूंजने का मतलब है अंदर से आ। सोचते आपसे पहले कहाँ थी ये आवाजें सारी? बात करके देखिए, शायद अपनी जबान बात करें। सुन भाई, ये बात नहीं करेंगे, हमारा काम तो कोशिश तो करना है ना। अभी आ रही है पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। आंखों के सामने उस चीज में से आवाजें आती हैं, कोई नजर नहीं आता। बिजली है ना, कुछ है, पंखे लगे हुए हैं, सब चीज लगे हुए हैं यार, एक ही जगह है और सब सही है। जनरेटर कभी साथ लाया करते हैं जलाने, जहाँ हो सकता है। लेकिन वायरिंग है कहाँ? वायरिंग भी तो होनी चाहिए। लेकिन बताऊँ, तुम्हारे को इंतजाम सारे थे, लाइट लाइटिंग द्वारा सब आई थी, लेकिन अब नहीं है। भाई नहीं जाते पीछे, ऐसे जालिम नहीं जाते। शाम से एक बिल्ली का बच्चा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। रात को भैंस भी आ गई, भैंस काली यहाँ खड़ी हुई है, इधर एंट्री ये रही, यहाँ खड़ी हुई है भैंस, कोई रस्सी नहीं है गले में, कुछ भी नहीं, कुछ खड़ी हुई है। उसका मुंह इतना है, पीछे इतना ऊंचा हुआ है, वो कोने तलक, वो स्विमिंग पूल जहाँ नजर आ रहे हैं ना, वहाँ तलक उसकी पीठ थी। आप आ रहे हो? शेर धाड़ा है, शेर, बब्बर शेर। और शाम को क्यों नहीं आ रही थी शेर की आवाज? और वो आप पीछे भागी, मैंने अपनी आंखों से देखा, झाड़ियों में गई, कांटों में गई काली चीज। और इस तरफ सज्जद भाई, लेकिन वहाँ पे भी तो दरवाजा है सज्जद भाई, उसी कमरे का। यार नहीं, वो इस गली में गई है। हाँ? भाई अब मत जाना यार, यार मत जाना यार। भाई बस चली गई ना, हमें नहीं चाहिए यार। और कहाँ गई? नहीं चाहिए हमें। कहाँ गई? बस वो कहीं भी गई, छोड़े बस 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 बस। ये बहला हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, जी हुआ है, एक एक चीज रिकॉर्ड भी है हमारे पास।
आई कहाँ से अंदर, आई कहाँ से? हल वाला कुआं था इल्ला बिलाल अजीम, शाम से नहीं देखा यार किसी जानवर को। शेर की आवाज कहाँ से आ रही थी साहब भाई? शेर किसने पाल लिया जंगल में या हमारा वेट कर रहा है वो? खुदा की कसम आज तक आवाज नहीं सुनी मैंने। अच्छा वो शेर ही होता तो यार इसको क्यों नहीं खाया उसने? ये कैसे जंगल में खुली घूम रही है? शेर भेड़िये, शेर भेड़िये गीदड़ यहाँ आसपास हैं, और ये खड़ी कहाँ है? हम 10 बार इस जगह से गए हैं। ये वो कमरा है जो पंखे वाला कमरा है, ये वो ठीक है, और ये जवान यहाँ खड़ी हुई है काली रंग की, और हम वहां खड़े हुए हैं, और ये खड़ी हुई है यूं करके, ना कुछ बंधा हुआ है, ना किसी ने रोका हुआ है, ना कुछ चारा है, ना कोई इसका गोबर है, और ये जवान कांटों में भाग गई जंगल में उधर। इन झाड़ियों में शेर की आवाज आ रही। चल भाई, झाड़ियों में है वो, अल्लाह ना करे। अगर वो इन झाड़ियों में है तो ये भैंस कैसे झाड़ियों में है? अगर शेर झाड़ियों में है, गीदड़ झाड़ियों में है, भेड़िए झाड़ियों में है, तो ये काली रंग की भैंस यहाँ पर कैसे? यार मुझे आज भाई ये भैंस है ही नहीं ना। मुझे बात बताया, आज तक हमने इतने जानवर देखे, अलग अलग रूप के देखे, कभी पीछे नहीं गए हम उसके, कभी नहीं गए। आज पता नहीं क्यों मेरे पैर उसकी तरफ भागे हैं यार। जब कामरान ने कहा ना उसकी पीठ वहाँ जा रही है, मैंने कहा नहीं यार मुझे क्यों नहीं नजर आ रही पीठ, इतनी दूर तक इतनी लंबी पीठ मैंने कभी नहीं देखी। आप अचानक उसके पीछे दौड़ पड़े और वो ऐसे भागे जैसे बकरी भागती है। मेरे पास नजर नहीं आ रहा था, मेरी आंख जो देख रही थी ना वो कुछ और देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका ये गर्दन है ना बहुत ज्यादा, एक तो भैंस की जो होती है ना लेवल के हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत ज्यादा नीचे है और पिछला हिस्सा बहुत ज्यादा ऊंचा है। जी ऐसा ही था वो मुझे जो है ना वो तजस्सुस मुझे आगे ले गया उसके पास। और वो उसको भागना नहीं चाहिए था शायद भाई। हाँ उसको नहीं, ऐसे नहीं भागना चाहिए था, जैसे बकरी भागती है। कितनी तेजी में भागी वो, और उसकी कोई चेन वेन कोई रस्सी वस्सी कुछ नहीं है इस जंगल में। भाई कह रहे हैं पहली बार ये शेर दहाड़ रहा है, लेकिन ये बच्चा रो रहा है। टटेरी, लोमड़ी, गीदड़, ठीक है यार हमारे पास रिकॉर्ड नहीं भाई, लेकिन हमारे पास आवाजें उनकी हैं। मैं आपको मैं सही बताऊं, जिस जगह ये खड़ी हुई थी ना ये इसकी जगह नहीं थी, ऐसे कभी ऐसे जानवर खड़े नहीं होते। अच्छा चले हम आए, हमें देख के भिदक जाती, भाग जाती यार, हमारा वेट कर रही थी कि हमें वो भगाए वहाँ तक लेके जाए, और हम पागल हैं वहाँ तक जाएंगे। और आप एक चीज़ नोट करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा आवाज़ें इस तरफ से आई हैं कि आओ तो सही ज़रा वहाँ पे जी, बच्चे औरतें अभी काली भैंस है, और जगह भी चेक करें ना सजाद भाई, छत में भी वहीं से ही हमने रिकॉर्ड की हैं आवाज़ें ऊपर से ही। हाँ मत जाए भाई, इनका मकसद यही था कि हम उस तरफ चले जाएं। रिकॉर्ड हुआ है ना जाला? हाँ जी जी भाई। ये रहा तो भैंस, मतलब इसको क्रॉस तो नहीं कर सकती? नहीं नहीं कैसे करेगी, आप चल के दिखा दें सीधा। वो अगर इन झाड़ियों में नहीं गई तो यहाँ गई होगी, यहाँ गई तो ये जाला कैसे बना हुआ है? यार वो गई इस तरफ है, यहाँ तो गई नहीं है ना, ये यहाँ तक तो मेरे पास रिकॉर्ड है कि वो यहाँ गई है इस गली के अंदर। तो फिर ये जाला कैसे कायम है? ये भी बात है, तो फिर वो फिर थी नहीं, मरने के बाद कोई आवाज़ें भी नहीं है। नहीं तब आवाज़ें थमती गई है ना। बस सजाद भाई अभी जो आवाज़ आई है ना ये आखिरी सिग्नल था हमारे लिए। सही था ये समझ लें कि हम पर हमला होने वाला था, और रो रहे कुत्ते। बहुत आवाज़ें यार, ये क्या रिकॉर्ड कर लिया आज आपने? बस यार ये अल्लाह ने करवा दिया था, तो हमारा तो कोई इसमें हाथ नहीं है। अंदर तो अंदर इसके अतराफ में इतनी मखलूकात हैं जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने आज से पहले बब्बर शेर की इतनी करीब से आवाज़ नहीं सुनी। नहीं सुनी, यहाँ शेर है। 100% या तो ये इनकी आवाज़ है, जब ये अलग अलग जानवरों की आवाज़ निकाल सकते हैं तो शेर की आवाज़ इनके लिए मुश्किल नहीं है। भाई हमारे चारों तरफ कांटे थे,
ऐसा लगा कि जैसे कोई ना बस हमला करने ही वाला था, और बस अंदर से आवाज़ है कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। और तो बहुत स्पीड में भागे हमने, रिकॉर्डिंग में है जी जी बिल्कुल हमारे पास यार। यह बिल्कुल अनोखी बात जो है ना आपको एडिट में मिलेगी, सही मायने में जो आपको समझ आएगा ना वो एडिट पे आएगा, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या क्या भला क्या है। करीब आने के बाद भैंस और करीब आने वो भागी है ना हमें ले गए इस तरफ, यार वो इस तरफ भी तो जा सकती थी साथ में, ये रास्ता खुला था जिस जगह से स्विमिंग पूल की तरफ गई। वो स्विमिंग पूल की तरफ क्यों गई? और सबसे बुरा हाल उस स्विमिंग पूल का, स्मेल भी उसी स्विमिंग पूल से आ रही। भैंस इस तरफ जा रही है, लोमड़ी की आवाज़ यहाँ से आ रही है, गीदड़ की आवाज़ यहाँ से, शेर की आवाज़ यहाँ से, बचा क्या यार? अब ये इतने ढेर सारे कुत्ते भी आ गए, ना समझने वाली जगह है यार साहब भाई। मैं बता रहा हूँ हमेशा है ना ये जो भी हमें बुलाता है ना ये अधूरी बात करते हैं यार, अधूरी बात, ये कंप्लीट बात करें हमें समझ आए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। कंप्लीट बात कर ही नहीं करते हैं भाई, कभी भी नहीं कर सकते। आप तसव्वुर करें खुदा ना खास्ता अगर यहाँ कुछ शेर खड़ा हो, बब्बर शेर, क्या होगा? कुदरत ने ना अल्लाह की शान है इस जानवर में ऐसा खौफ ऐसा रोब डाला है ना कि पिंजरे में भी कैद हो ना, आप मिलाएं जरा नजरें इससे, वो खौफ आता है। और सज्जद भाई जंगल का शेर तो कहा गया है उसको, और बाकी जंगली जंगल रिकॉर्ड की है आवाज़ें, हाँ रिकॉर्ड है, और भैंस उसके पास जा रही है और हम उसके पीछे जा रहे हैं, बस वहाँ जाने की देर थी हमारे, हमने सब रिकॉर्ड किया है ना ये पीछे जाके, सब रिकॉर्ड है, एक एक पल पल हमारे पास रिकॉर्ड है। मेरे तीन सवाल हैं, जो यहाँ पर हुआ वो सब तो मैं भूल ही गया ना जब से मैंने उस भैंस को देखा, पहली बात उसका इस जगह पे खड़ा होना, हाँ यार ये सवाल है साहब, ठीक, और हमें देख के नहीं, मेरी लाइट देख के नहीं गई है यार वो, पहली बात यहाँ देख खड़े रहना, उसका मुंह करीब आ जा कर उधर दूर ना खड़ा हो यार, इसका यहाँ खड़ा होना और वहाँ से कुछ और लगना, मुझे दूर से आप कसम उठवा ले मुझे, मैं संदेह पता नहीं क्या है यार, कोई काला कपड़ा ओढ़ के खड़ा हुआ है, मैं डर गया था, और क्या अला वाला है कोई, उसका रंग देख के ना स्याह रंग देख के हमें पता है स्याह रंग क्या होता है, काले रंग में ही नजर आती है, अंधेरे में नजर आती है, यहाँ खड़ी हुई है भाई मुंह नीचे इतना ऊपर और कुछ खा नहीं रही है, वो हमें देख रही है, देख रही है हमें, लेकिन उसका अच्छा ये बताए ना ये आपकी बॉडी है ना, बॉडी के ऊपर सर है ना, यहाँ कैसे आया, यहाँ इतना नीचे, नीचे सर था बॉडी ऊपर, ऐसा लग रहा था ये सारी चीजें उठी हुई अलग से फिट नहीं करते थे कोई चीज, फिर आप इसकी तरफ बढ़े, हाँ। ये ऐसे दौड़ी है, हाँ। जैसे बकरी भागती है या खरगोश भागता है, हमें लेके जाता है बड़ी तेजी में, हाँ। हम इसके पीछे भाग रहे हैं, ये हमारे सामने यहाँ मुड़ जाती है, ठीक, हम रुक जाते हैं कि कांटे हैं झाड़ियां हैं, यहाँ भैंस नहीं जाती जहाँ भेड़िए कुत्ते गीदड़ और शेरों की आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड है हमारे पास, हाँ। ये उस तरफ जा रही, ठीक, हम अपनी तसल्ली के लिए इसके पीछे जाते हैं, हमें रस्ते में जाले नजर आते हैं, जाले लगे हुए हैं पूरे रस्तों में, हाँ। वो सलामत है अपनी जगह, वो टूटे नहीं, वो नहीं टूटे, और हम आगे जाते हैं, हम वहीं से शेर की धाड़ने की आवाज़ें रिकॉर्ड करते हैं, अपने आसपास गीदड़ों भेड़ियों को रिकॉर्ड करते हैं आवाज़ें उनकी, और एक हमला महसूस करते हैं होने वाला है, चारों तरफ कांटे, स्विमिंग पूल की पानी है, आपने सर तरफ देख लिया, कहाँ गई भैंस? और ना मुमकिन बात है ऊपर जाए यार, ऊपर हम मैं शाम को जाते हुए घबरा, सीढ़ियाँ तो थी नहीं ऊपर जाने की, स्विमिंग पूल के बीच में नहीं, उस पोर्शन पे जहाँ वो पूरा स्विमिंग पूल बना है ना, वो शाम को ही अजीब सा लग रहा था कि मैं तो बला बिता गया इस तरफ नहीं जाना, क्या जहाँ ऐसे खूनी दरिंदे जानवरों की आवाजें आ रही, कभी जानवर उस तरफ जाएगा? और ये जानवर जो एसी का शिकार, और सबसे आखिरी सवाल बड़ा सवाल, आया कहाँ से वो, आई कहाँ से, और इधर अब तक सलामत कैसे है वो, अब से पहले कहाँ थी, कहाँ थी वो? 36 बार हम गुजर गए, छत से देख लिया, हर तरफ खिड़कियों दरवाजों से देख लिया, क्यों नहीं नजर आई? उन्होंने आवाज से तो नहीं डर रहे हैं ये, इन्हें लेके ही जाए अपनी जगह पे, अगर चले जाते ना साथ भाई। हमें लाशें मिली हैं जी बहुत सारी इसके आसपास, हमें ऐसी सी बदबूएं महसूस हुई हैं, सुबह क्या मखलूक है यार ये, अल्लाह ने जो भी था भी था टाल दिया उसे सर से यार, भला टाल गई, वो करम है अल्लाह का, बहुत बड़ा करम हो गया आज।
क्या मखलूक आते हैं यार। सामान पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं देखना, बस चलो चुप करके नहीं देखना तो बस। हाँ वाकई आ जा यार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। देखा जी आपने ये सब कल ही बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आ गए थे हमारे पास, लोग मुझे कह रहे थे कि आपने सिर्फ इसको एक भूत बंगले नुमा हवेली का नाम दिया, ये नाम बहुत छोटा था इस जगह के लिए, ये क्या हो गया, क्या सुन लिया, क्या देख लिया, ये कभी नहीं हुआ आज से पहले, और आप लोग बाल बाल बचे हैं, बाल बाल बचे हैं, इससे कहते हैं ना कि हर तरफ से ही, हर तरह से शेर की आवाज़ें हमने ना सिर्फ सुनी रिकॉर्ड की, एक ख्याल ये आता है कि कहीं अगर किसी ने शेर पाला हुआ हो रात को, ठीक है आवाज़ गूंजती है उसकी आ गई रात को, लेकिन शिराज पे जब तक हम उस छत पर नहीं गए थे ना उससे पहले तक कोई शेर की आवाज़ नहीं आई थी हमें, हमें एक दो तीन घंटे हो चुके थे पहले वहाँ पर मगरिब से लेके उस छत पर जाने तक, उस वक्त कोई आवाज़ नहीं आई। जहाँ हम छत से पहुँच कर वापस आने लगे वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हुई, गीदड़ों की, भेड़ियों की, जैसे किसी ने हमें देख लिया वो छत पर, और सारे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आ रहे। कई लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए, मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे। ये है जी हमजा डोगर साहब। अच्छा। ये कह रहे हैं फर्स्ट काउ को बोलना चाहिए था, सही, भैंस को, बुफैलो को, अपने मालिक के सिवा वो किसी और को देखकर बोलती है, और सेकंड वो लायन और वुल्फ को देखकर इंसान के पास आएगी और उससे हेल्प मांगेगी छुपने के लिए, और वो इंसान से डरती नहीं है, इन्हीं पली बड़ी होती है ना, इंसानी तो पालते हैं, और वो लायन की दहाड़ बहुत लाउडर थी और इधर लायन था तो किसी पर पहले अटैक क्यों नहीं हुआ इंसान पे, अगर यहाँ पे शेर था पहले तो कोई ऐसा हादसा क्यों नहीं हुआ, उसी वक्त क्यों आई आवाज़। सही। अच्छा जी ये है सैयद फरमान अहमद, ये कह रहे हैं जी भैंस कभी इंसान को देखकर भागती नहीं है और अकेले होने पर अकेले होने पर ना बोले ऐसा हो नहीं सकता, मतलब वो तन्हा है। आप सिचुएशन अगर मैं पोजीशन दिखाऊं आपको, ये देखिए ये अकेली है यहाँ पर, ठीक, कोई रस्सी नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई इसकी बांधने की जगह नहीं है, ये एंट्री है इस जगह की और यहाँ खड़ी होगी, सोचे हम पर क्या गुजरी होगी जब पहली बार इसको हमने देखा। जब सुहेल भाई मुझे कह रहे थे ना दो आंखें चमक रही हैं, मैं इनको देख रहा था दूर, कोई गाड़ी की लाइट है या पता नहीं कोई दूसरी लाइट है, मैं इनको देख रहा था, बाद में जब मैंने अपने करीब इन दो आंखों को देखा है मुझे तो पहले नॉर्मल होने में टाइम लगा है बहुत। अच्छा जी ये है जी अमान शेख, भैंस कभी डर कर नहीं भागती, अगर इसको खतरा लगता है तो अटैक करती है,
ऐसा वैसा अटैक करती है। हाँ वो भागती है पीछे एक बड़ी एक गुर्राने के साथ ना, उसकी नथनों में से आवाजें आती हैं नाक में से। बचपन गुजरा है यार, वो मतलब बंदा कुछ कर ले वो बस यूं यूं हिलाती है सर अपना और बंदा सीधा हो जाता है। सिंह केस के इतने जोर से लगते हैं सीने की, अगर मतलब गाँव के लोग इंसान ही शहरी लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो मतलब हार्ट अटैक हो जाए इतना खतरनाक सिंह होता है। अमान शेख साहब ने कहा है भैंस कभी डर कर नहीं भागती, अगर इसको खतरा लगता है तो अटैक करती है। सही। अच्छा जी ये वक्कास अली है, ये ना बता रहे इस फार्म हाउस का इनको इन्होंने नाम भी बताया है। अच्छा। कह रहे हैं हमारी फैमिली इस फार्म पर पिकनिक पे गई थी 2005 में। 2005 आज से 17 साल पहले। उसके बाद ये फार्म बंद कर दिया गया था। उस वक्त हमारे साथ भी एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए जिसके बाद हमारे बड़े समझ गए थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये वक्कास अली भाई ने आपको जो है ना ये कमेंट भेजा, इसका नाम भी बताया इस फार्म हाउस का। मैं चाहूंगा कि आप नाम जो है ना शिराज भाई वो हटा हाइड कर दीजिएगा, बाकी पूरी बात शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी ये है वैभव खेतकर, सजाद भाई बाल बाल बच गए आप, क्योंकि अगर शेर ना धाड़ता तो ये आप पर हमला कर देती, ये कुछ और नुकसान पहुंचाती, ऐसा समझो कि खुदा ने खुद आपके लिए एक मदद भेजी शेर के रूप में। एक इनका ख्याल है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि उसी वक्त वैसे शेर की आवाज बढ़ी थी जब मैं उतरा था नीचे। मैंने तो इतनी दफ़ा सुनी है, इतनी दफ़ा सुनी है, मुझे तो यकीन नहीं आया कि क्योंकि इर्द गिर्द जंगल में शेर नहीं है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी नहीं है रिकॉर्ड के मुताबिक, और शेर भी ऐसा बब्बर शेर आवाज़। मैं तो हम सुन चुके हैं ना आवाज़, असल में तो मैं तो हैरान था। मैं आपको नोट कीजिएगा आती कब है शेर की आवाज़। ये हमने जी हम ऊपर से ना उस तरफ से आ रहे थे इधर, इसको अचानक देखा यहाँ खड़े हुए बगैर किसी आवाज़ के, बगैर किसी, और इतनी देर तक हमने यहाँ पर कई देर बातें की हैं, हम अपने आप को नॉर्मल कर रहे थे, अपने आप को समझा रहे थे कि यहाँ पर कैसे किस तरह, चलो अल्लाह करिए भैंस हो, ये एक बार नहीं बोली, ये बस हमें घूर रही थी। ठीक, अब क्या हुआ ये देखिएगा जी, हम उस तरफ छत की तरफ से इस तरफ आ रहे हैं फ्रंट पे इसके मेन पे, और चेक कीजिए इसको, समझ रहा हूँ देख रहे दो आंखें, दो आंखें नुमा लाइट या कोई गाड़ी की या किसी की, वो चमक चमक। नहीं देख सका उस वक्त, ये आपको मैं ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ कोई काली चीज खड़ी हुई, सुहेल भाई कह रहे हैं इधर चीख रही है, मैं उसको देख रहा हूँ, बार बार कंफर्म कर रहा हूँ, ये देखें क्यों बिल्कुल सामने, ये देखें मैंने अब देखा है इसको, ये जो दो आंखें चमकी है ना इसकी, मैंने बहुत बाद में देखा है इसको यहाँ, अब नोट कीजिएगा ये यहाँ कैसे खड़ी, इस जगह इसका काम है खड़े होने का, नहीं नहीं चारों तरफ बंद है भाई साहब, की एंट्री देखी आए काटे यार, जंगल बन चुका है सब कुछ, इस जगह की एंट्री देखी और उसको देखे कहाँ खड़ी हुई है, इसका मुंह कहाँ है, इसकी पीठ कहाँ जा रही है, सुनिएगा ये हम नीचे उतरे, अब जब मैं इससे करीब जाने लगा हूँ नीचे उतरा या बिल्कुल इसके आमने सामने आ गया हूँ ना, यहाँ शेर की आवाज आती है, नोट कीजिएगा ये शेर धाड़ है ना, शेर धाड़ है, सुना सुना, शेर धाड़ है ना, ये शेर धाड़ है ना, शेर धाड़ है, शेर धाड़ है, शेर धाड़ है, मैंने तो
सुना है भाई, ये जो आपकी एक्सप्रेशन देख के मैंने कई दफ़ा रिपीट करके कुछ सुना है, मुझे खुद ये कितनी आया था कि एक शेर बब्बर शेर, शेर नहीं बब्बर शेर, और कहाँ ये मखलूक है सामने, हाँ जानवर है मखलूक है, चेक तो करें इसको यार, ऐसी हैबत होगी पीछे। अब अगर ये नॉर्मल भैंस होती ना, इसका कोई रिएक्शन होता, ये या तो हिलती जुलती चली जाती यहाँ से जब हम इतने करीब आते, और जब हम इसको पीछे इसके जा रहे हैं तो ये ऐसे आप मैंने इसका भागना जो देखा है ना, जंपे नहीं मारता केंगरू खरगोश या बकरी, ये वैसे भागी है यार जैसे इसका वजन ही ना हो। मैं आपको अब ये दोबारा सुनिएगा, सोचे हम पे क्या गुजरी होगी उस असल शेर की आवाज है, ये ओरिजिनल ऑडियो है शेर की, बब्बर शेर की जंगल में हम हैं, हमारे अतराफ में मतलब ये भेड़िए गीदड़ और इस तरह की लोमड़ियां, ये आवाजें तो हम सुन रहे थे पहले ही, सामने एक अजीब सी मखलूक खड़ी है, उसी वक्त शेर दहाड़ता है, ऐसा शेर ऐसी बसर ऐसी मखलूक ऐसी इर्द गिर्द आपके पास है, इंसान तो उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते, दुनिया कोई जानवर नहीं छोड़ता, वो हाथी पे भी हमला कर लेता है, वो एक सेकंड में बंदे का शिकार कर लेता है। इमेजिन करें थोड़ा सा, आप तसव्वुर करें कि क्या हाल हुआ और ऐसी जगह जहाँ पे चारों तरफ जंगल हो और शहर से दूर, और अंधेरा, गाड़ी भी बड़ी दूर, गाड़ी भी दूर, खौफ का आलम, वेपन सब गाड़ी में, क्या हालत होगी यार, अंदाजा लगा उस एक्सप्रेशन से तो पता चल रहा है। अच्छा नहीं, लोगों को तो अटैक हो गया भाई, जब ये सामने कुछ हाथ खड़ा हुआ है, कुछ और खड़ा हुआ यार, अब आप वो जो इस वक्त जो मैं अभी आंखों से देख रहा हूँ ना, ये इमेज इस वक्त कहीं पे भी ये भैंस नहीं दिख रही, ये समझ से बाहर है, मतलब वो शेप चेंज हो रही थी, क्या हो रही थी कैमरे के थ्रू जो दिख रहा है, और वो पलक भी नहीं झपक रही, ये समझ में नहीं आ रहा ना, बहुत देर तक ये साकिन थी, ये साकिन सर, ये बंदी भी नहीं है यहाँ पे, ये एंट्री है, एंट्री मतलब इस जगह की एंट्री पर इसका क्या काम है, ये अंदर जाना चाह रही थी, ये अंदर जा रही थी, वो था आप लोगों को बाहर निकलते हुए देख लिया, अब आगे देख, ये चेक कीजिएगा जी, मैंने इसको स्लो मोशन करके दिखाया, मैं आपको इसका भागना दिखाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे आपको ये नजर आ जाए, ये चेक कीजिएगा, इसका भागना ऐसे शिराज में जैसे इसका कोई वजन ही ना हो, ये ऐसे टर्न काटा है इसने जैसे आप गाड़ी नहीं मोड़ देते एकदम। ये बहुत बड़ा रफ्तार तरीके से भागी है, बहुत तेज, और पता है कहाँ जा रही है, वो आगे स्विमिंग पूल है, ये सीधा रास्ता, और ये बोली क्यों नहीं, हाँ ये भागते में कुछ बोलती डरती अपने गाँव बाड़ों में, हमने भी दूध लिया है, एक तो जुगाली करती रहती हैं और चुप नहीं बैठती हैं, सच्ची बात है, ये सेकेंड या थर्ड एनिमल है तोतों के बाद ना जो बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ना एक्टिव रहते हैं, और आप अंधेरे में भी जाएंगे ना तो ये एक्टिव रहेंगे, दुम हिला रही होंगी, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, सर हिला रही है कुछ ना कुछ, यार इनका बड़ा कॉमन है, अपने नाक से ना एक सांस जब छोड़ती है ना गुस्से का इजहार होता है, वो आपको सुनाई देता है बड़े आराम से, फुनकारना इनका बड़ा कॉमन है वो, और हम जब इनके पास जा रहे हैं ये बस जैसे ना आओ मेरे पीछे, और सुभान अल्लाह हम गए भी हैं पीछे, सही सर यहाँ ये मुड़ी है ना, मैं इधर आया हूँ, यहाँ जाले लगे हुए, हाँ मकड़ी के जाले इधर लगे हुए हैं जिसको क्रॉस करके ये गई है, तो ये कैसे गई, हाँ वो आपने बताया था ये देखने जाले लगे, ये रहा जाला इधर लगा हुआ है जाला पूरा पूरा पैक, हाँ और ये ऐसे वहीं से चली गई है, और आगे कांटे हैं, स्विमिंग पूल है, वहां हम गए हैं इसके पीछे, वहां हमें कोई नहीं मिला, कोई भैंस नहीं, कोई ऐसा जानवर नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर महसूस हुआ कि हम गिर गए,
हम उनके बिल्कुल जो कहते हैं ना कि चारा उनके दरमियान आ गया और वहां से हमने दौड़ लगा दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें, स्लो किया मैंने इसको, आप चेक कर लें, आप कहीं आपको शैडो भी नजर ना आए इसका। नहीं बन रहा, पैरों के पास में देख रहा हूँ, कोई पाँव का निशान नहीं था इसका। ये जा रही है और ये ऐसे टर्न होके बहुत ही स्पीड में, बहुत ही स्पीड में, मतलब हम कितना तेज भागे होंगे, और ये हमसे दूर जा रही थी, ये गई। जाले वाले सब वहां सलामत हैं, हर चीज सलामत है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम भागे कहां पे। ये देखिएगा जी, इसके पीछे ना, ये तो आपने देखा, ये जी हम गए सामने स्विमिंग पूल है, मुझे यहां से ऐसी आवाज आई जैसे जानवर एक प्लान नहीं कर रहे होते हमला करने का, कि बस आप उनके पॉइंट पे पहुंच गए हैं, अब वो अटैक करने वाले हैं आप पर। बहुत ही पास हमें उड़ाने की आवाज है, बहुत पास, जैसे हम घिर गए हों। नोट कीजिएगा, सुना सुन रहे आप, कई भेड़िए हमारे बहुत करीब थे, यहाँ बहुत करीब थे, लेकिन दिखा नहीं एक भी, नजर नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता, आवाज तो छत पे से भी आ रही थी, मैंने सुनी उसकी आवाजें बहुत करीब से, वो जो नहीं होता जो अंधेरे में से आवाजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, मतलब भेड़िए एक बड़ा डॉग से भी बड़ा होता शायद ना। और ये समझ लें कि यहाँ पर ना अब जो इतने करीब सुना ना इनको, तो फिर पाँव नहीं रुके वहां पर, और अच्छा हुआ नहीं रुके। आप मैं चाहूंगा इस वक्त इस हमले को, वाक्य को ना, इस वक्त को जरा महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। यहां से ना समझ रहे हैं कि कहते हैं ना कि आप वापस निकल आए, और शायद वो पीछे भागे भी हों, आपके शायद आए भी हों। ये जो एक साथ था, लाइट्स थी, और फिर आप उस जगह पर जाके खड़े हो गए थे बाहर। सही, तो ऐसा हुआ कि आपने ना सिर्फ उस मखलूक को देखा, रिकॉर्ड किया, इतना कुछ सुन लेने के बाद आप उसके पीछे भी गए, वहां जाते मतलब जहां आप हमें गलती कर गए थे आप, और उस गलती का जहां आपको एहसास हुआ ना कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, अब मैं क्या करूं, तो बजाय ये करने के कि जी बस इन्ना लिल्लाह अल्लाह माफ करे, फौरन पीछे स्टेप। तो भाई आपने बहुत अच्छा किया, एक तो आपको जाना नहीं चाहिए था, सीधी सी बात है, एक तो आपने आपको अपनी जान भी खतरे में डाल लें, दो और भी साथ हैं, वो तो अगर असल भेड़िए भी होते ना तो वो नहीं लाइट वाइट नहीं देखते हैं, वो तो हमला करते हैं, और वो 8-10 की उसमें होते हैं, तो करम हुआ अल्लाह ताला कि आप साथ के से वापस आए, तो इतना रिस्क ना लिया करो यार, तो बहुत खतरनाक हस्ती है, आप आगे चले। आप नोट करें ना कितना तजर्बा है, 2008 से
22 14 साल 14 साल हो गए ठीक। अब हमें नहीं पता क्या यार कि पीछे नहीं जाना। सर हम खुद हैरान है ना, हम खुद क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये क्या है, ये कैसी भैंस है जो जाले भी नहीं तोड़ती और चली जाती है। जाले सलामत होते हैं, पांव का कोई निशान नहीं है, कोई आवाज नहीं है उसकी, कोई हमला नहीं है हम पर। ये कैसी भैंस है जो हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम तीनों उसके मुंह पे खड़े हुए हैं यार। हाँ। और वो खड़ी भी ऐसे बहुत देर साकिन रही है, वो बंदी भी नहीं है, वो कोई मसरूफ नहीं है, वो सिंपली मतलब अचानक कहां से आ गई, कहां गई। अच्छा अब इतना हैरान कौन था ना, ये ऊपर से बब्बर शेर साहब पहली बार सर बब्बर शेर कहां नहीं गए, ज्यारत से लेके पिंडी तक कश्मीर तक, बब्बर शेर पहली बार ऑडियो ठीक। अच्छा इतना सब पहली बार, फिर वो जो बच्चे हैं चुप ही नहीं हो रहे हमारे आसपास, पापा पापा कह सुन लो, मैं सब कह रहे हैं पापा पापा कहे जा रहे हैं वो। हाँ। गांव देहात यार, अगर कहीं दूर आबादी भी है, रात को आवाज गूंज रही है, तो गांव देहात के बच्चे कब पापा पापा कहते हैं? नहीं ज्यादातर बाबा कहते हैं, बाबा ही कहते हैं मेरा अबू बाबा, अबू भी नहीं, अबू भी शहरी लोग कहते हैं, गाँव में जितने भी आप इंटीरियर में गए ना, बाबा कहते हैं, अब्बा जानी कहते हैं, ये अब्बा बाबा, ये पापा पापा तो नहीं कहते पापा। फिर वो इतने करीब से आ रहे हैं, नजर कोई नहीं आ रहा ना, ठीक आबादी वहां पर, क्यों बच्चे के रोने की भी मुस्तकिल आवाज थी। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं शिराज भाई, आपने देखा एक जगह पर ना, हम छत पे जा रहे थे, मुझे लगता है छत पर जाना बड़ी गलती थी, खासकर उन झाड़ियों को हटाना बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा लगा जो छत का रास्ता था जो आपने क्लियर किया था ना, मुझे लगा वो गलती थी। उसका मुझे उस वक्त एहसास भी हो रहा था जब मैं ऊपर गया ना, क्योंकि उसके बाद जैसे मैंने कोई मुआहदा तोड़ दिया हो, पता नहीं ऐसा क्या किया मैंने, जिसके बाद पूरा जंगल जाग गया था, उससे पहले नहीं जागा था। वहाँ ऊपर जाने से पहले ना, दो छोटी छोटी थापियाँ लगी हुई थी गोबर की, जो पता नहीं किस मकसद से लगी हुई थी, और कोई निशान भी नहीं था कहीं और थापियों का। थापियां लगाई जाती हैं इतनी बड़ी गांव देहातों में, उसको कोयले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आज भी ना। और मुझे ऐसा लगता है वो कोई रिचुअल था, वो कोई अमल था, किसी ने पढ़ाई करके कुछ लगाया था उसको। अच्छा। किसी ने कोई अमल करके लगाया था या कोई टोटका था। क्यों? बहुत पहले हम एक जगह पर गए थे जहां पर शायद हमें कबर मिली थी जगह में, बहुत पहले हम एक जगह पर गए थे जो पूरा एरिया ही ना, इलाका ही ना, मतलब कंफर्म था कि जहां पर वो हैं मखलूकात, उनका इलाका कंफर्म बात थी, चौकीदारों के थ्रू भी, मालिकान के थ्रू भी, सबके कि जी ऑथेंटिक है बात, ये जगह पुरसरार, हमने छोड़ दिया जगह। वहां पर भी ना मैंने दो गोल लाल दायरे देखे थे, रिकॉर्ड भी। अच्छा। मैं उनको देखकर भी हैरान था कि यार दो गोल दायरे यहाँ पर क्यों लगाए हैं, और इधर भी वो दो छोटी सी थापियां जो जलाने के मकसद से नहीं थी, जलाने जो ईंधन के मकसद से नहीं थी, वो कोई रिचुअल है, कोई अमल है, कोई जैसे मिसाल के तौर पे आज भी बहुत से लोग घोड़े की नाल लगाते हैं दरवाजों पर, ठीक है, अक्सर छिपकली को भगाने के लिए अंडा भी लगाया जाता है दीवार पर खाली करके ना उसको, कोई नींबू मिर्चों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह मुझे लगता है कि शायद एक किसी का अमल है ये, कोई मुआहदा है, कोई निशानी है इन मखलूकात से, जिसको देखकर समझ जाना चाहिए आपको। मैं बताऊंगा जी आपको, देखें बार बार देखें, और जितनी बार देख सकते हैं देखें, बल्कि ये सब आप लोगों ने ही बताया, तमाम मैसेजेस मैंने आपके लिए पढ़े हैं, ये तो चंद है, ये तो कई लोगों ने महसूस किया इस बात को, और कह रहे हैं कि पहली बार हमें शदीद डर लगा, और वाकईतन हमें भी बहुत डर लगा, अंदाजा लगा रहे हैं। बब्बर शेर शेर है यार, बब्बर शेर भाई, उसकी आवाज ऐसी अजीब सी मखलूक आपके सामने है, आपके सामने अंदर नहीं कहीं और नहीं बाहर, उसी वक्त उसी टाइम पर, मतलब शेर की अल्लाह ने ऐसी हैबत रखी है कि दुनिया का वो किसी चीज से नहीं डरता भाई, वो हर जानवर पे हमला करता है, और वो और उसको ना एक होता है ना कि जिस्म की खुशबू, उसको तो पता नहीं खून की खुशबू कहाँ तक क्या आती है। अब वो शेर वाकई हमारी मदद था, उसकी आवाज हमारे लिए मदद साबित हुई, सही पहली बार हुआ ऐसा।
अच्छा मैं समझ रहा था कि शेर के रूप में भी इर्द गिर्द कोई मखलूक है आपके पास, मुझे यही समझ रहा था। मुझे डाउट है, हो सकता है, लेकिन अगर हमारे आसपास शेर में होता या कोई ओरिजिनल शेर होता तो ये तो सलामत ना होती, शायद हम भी ना होते। हाँ तो ये तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाकई कोई मदद कह लें शेर की आवाज की शक्ल में, और मदद ही समझता हूँ मैं, क्योंकि उसके अलावा अगर शिकारी उस जंगल में शेर होता फिर तो बहुत वाकई हमले भी हो चुके होते कई पहले भी। हाँ, रिपोर्ट हो चुकी होते, हो चुके होते, और फिर हम भी वहाँ पर निहत्ते ही थे। दिखाऊं क्या आपको, बताऊं क्या, क्या क्या दिखाऊं? बहुत शुक्रिया जी आपकी दुआओं का, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके वक्त का, और बस ये सब हो रहा है, वैसे काम जो करवाए जा रहे हैं कर नहीं सकते। एक दो बातें थी, इमारत बड़ी खूबसूरत थी, बहुत यूनिक थी, दरवाजे चीज़ें उसकी बनावट। बीच में ना मैंने वहाँ पर एक सवाल पूछा था, एक ही सवाल पूछा था जिसका मुझे जवाब नहीं आया था, क्योंकि हर सवाल का जवाब आ रहा था। मैंने वहाँ पूछा था कि क्या आपको भेजा गया है, एक होता ना खुद आए हैं या भेजा गया। खुद आने से मुराद एक अरसे से खाली जगह है, गुजर हुआ, देख ली जगह खाली, ना कोई रोशनी है ना कोई सफाई है, उधर बस गए खुद से। एक कोई भेजता है अमल के जरिए, तो मैं ये जब पूछा ना कि क्या भेजा गया, तब उसका कोई जवाब नहीं आया था मुझे। सुहेल भाई ने भी इस बात को नेक्स्ट किया था कि यार सजाद हो सकता है कि यहाँ पर खाली रहा हो, किसी ने अमल कर दिया हो, किसी जरिए भेजा गया हो। क्यों, माशाल्लाह 2005 में तो ये बड़ी खूबसूरत इमारत, सही, जिसकी बाकियात आप देख सकते हैं, बड़े दिल से चाह से इतना खूबसूरत बनाया, उस दौर में हवेली बनाई, महल बनाया, और आज आप हाल देख रहे हैं। तो बात ये, जो जैसा करता है वैसा भरता है, और जैसे पहले कर्म हुआ है यार, सकर हवेली जैसी 200 साल पुरानी हवेली जैसी का हल निकल आया, दखमा का हल निकल आया, कोटा के भूत बंगले का हल निकल आया, सखर में 50 साल पुराने स्कूल का हल निकल आया। हाँ तो वो तो बड़ा यार, आप गए मतलब 50 साल बाद कोई बंदा अंदर कदम रखा था, वो बीटे वो जगह, उधर भी मखलूक मिली थी यार, ये ऑन रिकॉर्ड है जी सारी चीजें। कहने को ऐसा लगता है कि हम जाएंगे तो नुकसान होगा, और हुआ ये कि जहाँ जहाँ हम गए उनका हल निकल आया, 200 साल से वीरान वो आबाद हो गई। अच्छा अभी आप कह रहे थे कि आपने छत का रास्ता हटाया और वहाँ पे कुछ मामला अचानक जैसे सामने से जंगल जग गया, बीच में अभी आप एक एक जगह गए थे जहाँ पे आप लोगों ने टैंक हटाया था, उधर भी ऐसे जानवर मिले थे काले काले अजीब से, हर उसमें कमर में मिला था सारा, तो कुछ ऐसा तो नहीं होता कि आप मतलब कुछ चीज़ें कैद करते हैं और वहाँ से आप लोगों की वजह से कुछ एक्टिव हो जाती हैं, वो पसंद नहीं करती हैं? वो सब बात जो है वो होती है, क्यों मैं समझता हूँ बात सारी नीयत की होती है। ना हम उस मखलूक को कैद करने जाते हैं वहाँ पर, ना उसको पकड़ने भगाने या खुद रहने या खुद कुछ हासिल करने, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती, सिर्फ जानने की कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को तकलीफ पहुंचाए। शायद यही वजह है जो सब कुछ हो भी रहा है, और वो चीज़ें सामने आ रही हैं जो आज तक सोची नहीं थी, बहुत वो वाक्यात सामने आ रहे हैं। अगर आप नोट करें SSD में, कभी नहीं सोचा था हमने, और ये समझ लें यही सब है जो आप लोग एक मोहब्बत रखते हैं, एक एतमाद रखते हैं हम पर, एक भरोसा रखते हैं हमसे, अपनी वो पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं शायद जो सगे रिश्तेदार भी ना शेयर करते हैं। शुक्र है, तो अल्लाह पाक ये मोहब्बतें बरकरार रखे जी, सब खुद ब खुद है। SSD हमने सोचा था हम एक लेवल बढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ये, लेकिन अब तो हमारी सोच से नेक्स्ट लेवल ऊपर चला गया माशाल्लाह से। सब करम जी, सब करम, शुक्र फिलहाल दीजिए इजाज़त, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।